जिन रास्तों से विजय की प्राप्ति हो मैं हर वो मार्ग जानता हूँ, परंतु छल कपट मेरे खून में नहीं। मैं राम भक्त हूँ, हनुमान को आदर्श मानता हूँ। नमस्कार साथियों, निकल पड़े हैं हम कैची धाम को। तो आज का वीडियो हमारी कैची धाम तक यात्रा का हो रहेगा। तो हम घर से निकल गए हैं और अब हम पहुंच चुके हैं काठगोदाम। ये देखिए, ये पहुंच चुके हैं हम रानीबाग, जो नवनिर्मित पुल है ये देखिए, वो हम क्रॉस कर रहे हैं। और पुराना पुल आप नीचे देख पा रहे हैं, ये पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था, तो इसलिए गवर्नमेंट ने नया पुल बनाया। और कैची धाम का यह मार्ग, वैसे जोलीकोट के रास्ते भी मंदिर को जाया जा सकता है, लेकिन हम नीचे के रास्ते थोड़ा शॉर्ट पड़ेगा और हमें काफ़ी लेट भी हो चुकी है, तो हम इसलिए इस मार्ग से जा रहे हैं। बेहद खूबसूरती सामने देखिए, पहाड़ों की खूबसूरत हरे पहाड़, और ये देखिए क्या नज़ारा है। आज के दिन मंदिर जाने का एक अलग ही मज़ा है। और ये देखिए, ये रानीबाग HMT फैक्ट्री, जो कि पूरा जीर्ण शीर्ण स्थिति में है और काफ़ी समय हो गया है इस कंपनी को बंद हुए। हिंदुस्तान मशीन टूल, भूतपूर्व मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी जी की ये देन थी, जिससे उत्तराखंड में रोजगार का सृजन किया जा सके। भीमताल झील पर हम पहुंच चुके हैं, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा यहाँ का। अभी अभी हल्की ठंडी हवा महसूस होने लगी है, अभी तक काफ़ी गर्म हो रहा था, और बाइक से चलने में तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही थी, और पेड़ों की वजह से थोड़ा सा पूरा व्यू आपको जो है ये साल का दिख नहीं पाएगा, इसके लिए क्षमा चाहेंगे। और सामने जो बीच, भीमताल के बीचों बीच में वो एक होटल है, आप देख पा रहे होंगे कैफे भी है वहाँ पर, आइसलैंड कैफे लिखा है। और दिक्कत है, काम लग रहा है, मुझे लग रहा है पहले मैं गाड़ी हटानी चाहिए, फिर आगे बढ़ के फिर हम वीडियो बनाते हैं। आगे की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे अभी कैची धाम मंदिर। ये देखिए, बाइक पार्किंग में लगी है, इतने श्रद्धालु कैची धाम में आए हुए हैं, और गाड़ी हमारी बहाली से लगभग 1 किलोमीटर पहले ही पार्क हो चुकी है, वहाँ पर हमें पकड़नी पड़ेगी, काफ़ी थक चुके हैं। तो साथियों, हम भी शटल सेवा में बैठ चुके हैं और हमें सीट मिल चुकी है, क्योंकि हम थोड़ा पहले बैठ गए थे, और बाकी यात्री खड़े खड़े भी हैं इसमें, क्योंकि बस जल्दी भर जा रही है। बहुत ज़्यादा लाखों की संख्या में भीड़ यहाँ देखने को मिल रही है। ज़्यादा लंबा सफ़र तो नहीं है, लेकिन फिर भी 7-8 किलोमीटर का सफ़र है, तो खड़े खड़े आसानी से हो जाएगा। और काफ़ी श्रद्धालु ऐसे भी हैं, देख पा रहे होंगे आप, ये पैदल जा रहे हैं बाबा जी की दर्शन के लिए, और तो उन्होंने उनके मन में एक अलग ही श्रद्धा भक्ति भाव का जो जोश है, तो वो उनको नहीं होने दे रही है। देखिए किस प्रकार नारे भी जय श्री राम के लगाते हुए जा रहे हैं, वीडियोग्राफी फोटोग्राफी करते हुए सभी भक्तगण। ये देखिए, बस की सेवा यहीं पर ही तक है, हमें भी यहीं पर उतरना पड़ेगा, और जहाँ से पैदल ही हमको जाना पड़ेगा। बल्कि ये देखिए, ये जो दर्शन को आ रही है, ये जिन श्रद्धालुओं ने दर्शन कर लिए वो वापस जा रहे हैं हल्द्वानी की तरफ, और बाकी ये बसें आ रही हैं, इनमें लगातार बसों का तांता लगा हुआ है, बिल्कुल हर एक मिनट में एक बस आ रही है, इतने श्रद्धालु यहाँ पहुँचे हैं। इसका अभी पूर्वानुमान लगाना थोड़ा मुश्किल है, शाम तक जो आवाजाही बिल्कुल रूप से बंद हो जाएगी, उसके बाद ही इसका अंदाज़ा लगाया जा सकेगा। ये देखिए इस प्रकार भक्ति भाव का जो जोश है, उसमें थकान तो बिल्कुल महसूस ही नहीं होती है, धूप भी है गुनगुनी ऊपर से, लेकिन फिर भी गर्मी का कोई इतना ज़्यादा एहसास हो नहीं रहा है यहाँ। पता नहीं, बाबा जी की एक अलग ही शक्ति है आज के दिन। वैसे बाबा जी अपने भक्तों के साथ तो
हमेशा हर घड़ी रहते हैं, उनकी सभी मुसीबतों को पहले ही वो जान लेते हैं और उनको जल्दी ही उस मुसीबत से बाहर निकाल देते हैं। बाबा जी का चमत्कार कई बार कई लोगों ने अनुभव किया है, उसमें मैं भी हूँ। मैंने भी कई बार बाबा जी के चमत्कारों को और उनकी शक्ति का उनका स्मरण लेते ही सारी परेशानियाँ क्षण भर में दूर हो जाती हैं। और आज के दिन बाबा जी के दर्शन जिसको हो गए सच में बहुत ही सौभाग्यशाली होता है वो, तो इसीलिए आज के दिन दर्शन करने के लिए लोग घंटों कतार पर खड़े रहते हैं। उनको किसी भी प्रकार की धूप हो या तेज बारिश हो, उनको उनके भक्ति भाव श्रद्धा से डगमगा नहीं सकती है। जगह जगह पर बहुत ही अच्छी जो है प्रशासन कहो या जो मंदिर समिति है उनके द्वारा बहुत अच्छी व्यवस्था करी गई है। जगह जगह पर तरह तरीके के जूस, नींबू पानी, जलजीरा और वैसे पानी की बोतलों का वितरण किया जा रहा है। अभी हम लगभग मंदिर से 2 किलोमीटर ऊपर खड़े हैं, 2 किलोमीटर से ये लाइन लग चुकी है और मंदिर नीचे है। इतनी ज़्यादा मात्रा में श्रद्धालु अभी हम मंदिर के ऊपर की ओर हैं। नीचे देखिए मंदिर प्रांगण पूरी इतनी लंबी लाइन लगी हुई है, लगभग 1.5 किलोमीटर अभी हम पीछे हैं मंदिर प्रांगण से। और मुझे पार्किंग फोर व्हीलर सामने मंदिर है, काफ़ी दूर है अभी मंदिर, काफ़ी भीड़ लगी है श्रद्धालुओं की। लाइन देखिए आप आगे तक लंबी लाइन। और ये नीचे शिप्रा नदी, सामने से लोग नहा भी रहे हैं। अरे लाइन बड़ी तेज भाग गई यहाँ से, कोई भी इतना बुझ जाए। हम लोग पीछे नहीं आगे बड़ा। अरे अभी है ना, अभी ऐसे पूरा मोड़ के यहाँ तक है मंदिर तक। जय श्री राम। बाबा नीम करोली महाराज की जय। बाबा नीम करोली महाराज की जय। कैची धाम की जय। भक्त जनों की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। जय श्री राम। बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया। Jai 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 Jai
मंदिर जाने के लिए जो है बहुत अच्छी सुविधा, पानी यहाँ पर जगह जगह पर पिलाया जा रहा है सभी भक्तों को, और श्रद्धालुओं का काफ़ी तांता यहाँ लगा हुआ है। देश विदेश और भारत के कोने कोने से यहाँ श्रद्धालु पहुँचे हुए हैं और जय श्री राम के नारे लगाते हुए। ये देखिए काफ़ी ज़्यादा दुकानें भी यहाँ लगी हुई हैं, जगह जगह पर पंडाल लगे हुए हैं, प्रसाद वितरण हो रहा है, भीड़ बहुत है, धूप भी है, लेकिन इस धूप में गर्मी बहुत ज़्यादा महसूस नहीं हो रही है, हल्की हल्की हवा भी चल रही है जो गर्मी का एहसास नहीं होने रही है। देखिए किस प्रकार श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है। कैची धाम की जो पार्किंग है वो उसके पास हम पहुंच चुके हैं और यहाँ पर लिखा हुआ है पूज्य नीम करौली महाराज जी के पावन धाम कैची धाम में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। देवभूमि के दर्शकों को ये मेला कैची धाम का स्थापना दिवस दिखाने में मुझे काफ़ी हर्ष हो रहा है और पुलिस वाले काफ़ी मुस्तैदी से तैनात ड्यूटी करते हुए और सभी भक्त प्रसाद देते हुए जय श्री राम। फाइनली पहुंच चुके हैं हम मंदिर प्रांगण के पास, जल्दी हम मंदिर में एंट्री कर लेंगे और बहुत भीड़ काफ़ी ज़्यादा लंबी, लगभग 2-3 किलोमीटर हम लाइन पर लगे हुए थे और बहुत ही खुशी हो रही है हम यहाँ पहुँच चुके हैं। प्रसाद अभी हमने खरीदना है। रश्मि पानी पीना नहीं बस, थैंक यू। यहाँ से ले ले रश्मि, यहाँ से ले ले। और
मंदिर गेट पर हम पहुंचते हैं और आप देख पा रहे होंगे ये है बाबा जी का गेट। ओके हाँ गेट अंदर वीडियोग्राफी मना है, भैया ने बता दिया अंदर वीडियोग्राफी नहीं करनी है। तो गेट तक हम का नज़ारा आप देवभूमि के दर्शकों को दिखाएंगे। काफ़ी भीड़ जय श्री राम जय श्री राम। कौन बंद कर लेना। जय 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 जल जीरा यहाँ पिला रहे हैं। जल जीरा बहुत अच्छा लग रहा है, एक गिलास और लेके आओ। नमस्कार साथियों, ये बाबा जी का प्रसाद है बेसन के लड्डू जो बाबा जी को चढ़ते हैं प्रसाद के रूप में। और जो वहाँ से प्रसाद मिलता है बाबा जी का, ये है मालपुए जो प्योर घी देसी घी में बनाए जाते हैं। और इसमें है चने या सब्जी वगैरह, ये भी बहुत अच्छी और स्वादिष्ट बनाई जाती है। इसको कितना भी खाओ तो जी नहीं भरता, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है ये बाबा जी का ये प्रसाद। तो आप सभी साथियों के लिए, मेरे देवभूमि ऑनलाइन के दर्शकों के लिए, बाबा नीम करौली महाराज जी का ये प्रसाद आप भी ग्रहण करें। जय नीम करौली महाराज।